तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्रीकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। बात इसी साल मार्च 2023 की है, छत्तीसगढ़ अपना एक स्टेट, वहाँ की यह कहानी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम दिया ऑपरेशन मुस्कान। अब इस नाम से ही पता चलता है मुस्कान। असल में यह ऑपरेशन वो ऑपरेशन था कि जिसके जरिए लंबे वक्त से गुम गायब गुमशुदा बेटियों, बड़ी लड़कियां, महिलाएं, ये जो गायब थीं और जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और लंबा वक्त हो गया उनकी केस फाइल को बंद हुए हुए, तो ऐसे केस फाइल को खोलें और उन गुमशुदा लोगों को ढूंढा जाए। मार्च 2023 की बात है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर थाने को ये पैगाम भेज दिया गया कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत आप पुराने केस जो 5-10-15 साल हो गए हैं, 20-20 साल हो गए हैं, आप उसको दोबारा रीओपन कीजिए और उसमें जो भी नई इन्वेस्टिगेशन है वो कीजिए। ऐसी एक केस मैंने आपको इससे पहले भी सुनाया था, ऑपरेशन मुस्कान, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मुस्कान के तहत अब पुरानी फाइलें खुलनी शुरू हो गई हर अलग अलग थानों में। तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कुसमुंडा पुलिस स्टेशन, ये कोरबा ज़िले में आता है। तब ऊपर से आदेश आला पुलिस अफसरों के इस थाने तक भी पहुंची। अब थाने के लोग भी, उन्होंने कहा चलो भैया पुरानी फाइल खोलते हैं। तो ऐसे केसेस जो कम से कम 5 साल हो गए और 5-10-15 और उसका कोई भी अंजाम या किसी नतीजे तक नहीं पहुँचे, अब पुलिस ने खोलना शुरू किया। तो सारी फाइलें वहाँ के लोकल जो SP और SSP हैं उनके पास भेजी गई, हर थाने से मंगा कर फाइलों के अंबार लग गए। अब उनमें से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और हर एक को अलग अलग फाइल के हिसाब से जो देखते और कहा कि इसकी जिम्मेदारी है, इसको जांच करो। उन्हीं फाइलों के ढेर में कोरबा डिस्ट्रिक्ट के इस जो कुसमुंडा पुलिस स्टेशन है, एक फाइल SSP साहब की नज़रों के सामने से गुजरी। जब उन्होंने देखा, पूरी फाइल पढ़ी, तो पढ़ते उन्हें लगा कि इस केस में शायद पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इस केस की जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो जांच नहीं की। अगर इस केस की जांच की जाए तो शायद ये केस सॉल्व हो जाएगा। ये केस था 24-25 साल की एक न्यूज़ एंकर सलमा सुल्ताना का। सलमा सुल्ताना छत्तीसगढ़ की रहने वाली, इसी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, इसी कुसमुंडा इलाके में। वो एक लोकल केबल पे जो न्यूज़ चैनल आते हैं उस पर वो एंकरिंग किया करती थी और न्यूज़ पढ़ा करती थी। अब जब ये केस फाइल सामने आई तो जो पूरी कहानी थी उस वक्त सलमा सुल्तान की, एक सलमा सुल्तान दूरदर्शन में बहुत नामी, अपने ज़माने में एंकर रह चुकी हैं, बट इनका नाम सलमा सुल्ताना है, तो क्या पता वहीं से शायद प्रेरणा लेकर एंकर बनी। 21 अक्टूबर 2018, 21 अक्टूबर 2018, यानी 5 साल पहले की बात है। उस फाइल में लिखा था कि 21 अक्टूबर 2018 को सलमा सुल्तान गायब हो गई और उसके बाद उनको किसी ने नहीं देखा, न घर वालों ने, न पड़ोसियों ने, किसी ने नहीं। अच्छा, घर से भी वो चुके, बाकी घर वाले थोड़ी दूर रहा करते थे, वो अपना कोरबा के इस इलाके में और अपना न्यूज़ एंकरिंग की दुनिया में, जर्नलिज्म में किस्मत आजमा रही थी। तो शुरुआत में उसकी गुमशुदगी पर बहुत लोगों ने, घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले भी वो अक्सर बाहर जाया करती थी। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया, उसके बाद जनवरी आ गई, 3 महीने गायब। 3 महीने में घर वालों ने कुछ खबर लेने की भी कोशिश की, लेकिन न फोन पे बातचीत न कुछ। 20 जनवरी 2019, 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के वालिद यानी उनके पिता की मौत हो जाती है। अब मौत हो गई, सारे रिश्तेदारों को खबर दी गई, तमाम परिचितों को खबर दी गई। अब ये उम्मीद थी कि शायद सलमा सुल्ताना अपने वालिद की मौत पर आखिरी, उनको जो रस्म है, तस्वीन करना है, दफनाना है, उस वक्त तो आएगी वो। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब बाप की मौत हुई और सलमा सुल्तान फिर भी नहीं लौटी। अब रिश्तेदारों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, वरना एक बेटी को उसके बाप की मौत की खबर दी जाए और वो ना आए आखिरी वक्त में, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसी के बाद ये 20 जनवरी 2019 की बात है, अभी तक कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं है सलमा की गुमशुदगी की।
लेकिन जब वो अपने पिता की मौत के वक्त भी नहीं आई तो फिर रिश्तेदारों ने कुसमुंडा पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी कि आखिरी बार उसको अक्टूबर में देखा गया था 2021 को, उसके बाद से सरमा सुल्ताना का कोई पता नहीं, इवन उसके फादर की डेथ हो गई वो फिर भी नहीं आई। कुसमुंडा थाने ने रिपोर्ट लिखी, छानबीन की, जितने भी लोग थे बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई। फिर धीरे धीरे पुलिस ने यह भी कहा कि चलो अब इतना वक्त हो चुका है, उनका भी वो हट गया कि कहीं चली गई होगी और अब ढूंढने का कोई फायदा नहीं। तो पुलिस का रवैया ऐसे ही था, टाल मटोल वाला। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और कुसमुंडा पुलिस स्टेशन की उस फाइल पर धूल चढ़ती रही, सलमा सुल्ताना का कोई सुराग नहीं। घर वालों को भी लगा कि वो कहीं चली गई है, पुलिस ने भी कहा कि हटाओ, कोई ऐसा मामला भी नहीं है जो लगे कि हाई प्रोफाइल है, मीडिया भी पीछे नहीं पड़ी है कि चलो ढूंढें। तो यहाँ सलमा सुल्ताना गायब, उधर इसी गायब और गुमशुदगी पे याद आई, कई बार सबूत मिटाने के लिए ऐसा कुछ किया जाता है। तो कुकू FM के ऑडियो बुक पर एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसका नाम है ऑटोशंकर। ऑटोशंकर करता ये था कि जब भी कोई कत्ल करता तो उसके बाद वो लाश को जला देता और राख को समंदर में ले जाकर फेंक देता, ताकि कोई सबूत ही नहीं बचे कि किसी का कत्ल हुआ है, कोई लाश भी है। तो जब लाश नहीं होगी तो फिर आगे मामला कैसे चलेगा। तो ये ऑटोशंकर क्या करता था, तो कुकू FM के ऑडियो बुक पर कैसे वो इस तरीके से लगातार कानून से बचा रहा, क्योंकि कोई लाश ही नहीं मिलती थी। तो कुकू FM के ऑडियो बुक पर आप ऑटोशंकर ये कहानी सुन सकते हैं। कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू FM ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है, कुकू FM ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते 5 साल हो गए। 5 साल के बाद 2023 आया, यही साल, और मार्च में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान नाम से एक अभियान छेड़ा, एक कैंपेन कि गुमशुदा लड़कियों को ढूंढते हैं। और इत्तेफाक से इस कैंपेन के तहत सलमा सुल्ताना की 5 साल पुरानी यह फाइल कोरबा डिस्ट्रिक्ट के SSP और SP के हाथ में लगी। और अब उन्होंने जब ये फाइल पढ़ी और डिटेल पढ़ी तो उन्होंने कहा कि चलो अब इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब दोबारा तफ्तीश शुरू हुई। सबसे पहले सलमा सुल्तान के तमाम रिश्तेदारों से पूछताछ हुई, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, फिर उसके परिचित दोस्तों से पूछताछ हुई। इस दौरान में पता चला कि सलमा सुल्ताना का एक दोस्त हुआ करता था जो एक जिम का ओनर भी था और वो जिम इंस्ट्रक्टर भी था, मधुर साहू उसका नाम था। तो मधुर साहू के साथ भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन इन तमाम पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद, चूंकि 5 साल हो गए, पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, ना ही सलमा सुल्तान की कोई खबर मिली। उसके जितनी भी दोस्त हैं जो कोरबा या छत्तीसगढ़ से बाहर, MP, राजस्थान, दिल्ली, उन सबको भी टटोल लिया गया, पूछ लिया गया। बट हैरानी की बात यह थी कि पिछले 5 सालों में किसी भी शहर में कहीं भी कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं मिला जो ये बताए कि उसने सलमा सुल्ताना को देखा है। तो जब ये आया कि किसी ने भी देखने का दावा नहीं किया तो पुलिस को लगा मामला गड़बड़ है। इसका मतलब है कि हो सकता है सलमा सुल्ताना भी इस दुनिया में ही ना हो। लेकिन ऐसा हुआ है तो फिर वो कौन हो सकता है और कोई क्यों मारेगा? और दूसरा, अगर वो गायब होगी तो इतने लंबे वक्त तक कोई भी अपने घर वालों से गायब नहीं होगा। घर वालों से पूछताछ में ये भी पता चला कि कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा झगड़ा जिसकी वजह से वो रूठ कर चली गई, पता चला ऐसी कोई बात नहीं थी। तो तमाम तफ्तीश तो जारी है, दोबारा फाइल भी खुल गई, लेकिन सलमा सुल्ताना की सच्चाई सामने नहीं आ रही। अब आला पुलिस अफसरों ने जो अब तक के अपडेट थे मार्च के बाद जब तफ्तीश शुरू हुई, उन सारी चीज़ों को देखना शुरू किया, सारी चीज़ें, सारे कागजात, सारी बातें उन्होंने पढ़ा, उसमें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली, कहीं कोई शक नहीं।
लेकिन तभी इस केस फाइल को और ये जो दोबारा पूछताछ हुई, उन सभी चीजों में पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी में जो 5 साल से पड़ा हुआ, वो ये है कि सलमा सुल्ताना ने अपनी गुमशुदगी से कुछ वक्त पहले एक यूनियन बैंक से लोन लिया था। अब इसमें पुलिस को लगा कि लोन लिया होगा, इसमें क्या खबर, तो लोन लिया था, उसके बाद वो गायब हो गई। जो आला पुलिस अफसर थे उन्होंने कहा कि यार ये लोन लिया उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि वो गायब है। तो एक टीम को भेजा गया बैंक, यूनियन बैंक, कि जाओ और जाकर पता करो कि यूनियन बैंक में ये लोन, इसकी क्या है स्टेटस। जब पुलिस की टीम पहुंची और बैंक मैनेजर से बातचीत की तो पता चला कि उसका एक हर महीने का एक ईएमआई फिक्स था। और हैरत की बात यह थी कि अक्टूबर 2018 में सलमा सुल्ताना गायब हुई, लेकिन जिस महीने, ये बात अभी की है, मई जून की, मतलब 2-3 महीने पहले, बैंक मैनेजर ने कहा कि एक भी ऐसा महीना नहीं बीता जब उसका ईएमआई वक्त पर न आया। यानी 5 साल से एक लड़की गायब है और उसने एक लोन ले रखा है और उस लोन की ईएमआई हर महीने पाबंदी से जो डेट है उस डेट पर पहुंच रही है। अब यहां पुलिस के कान खड़े हुए कि ये कैसे हो सकता है। पुलिस वाले ने आकर रिपोर्ट दी कि सर एक बैंक में लोन था और वो लोन अब भी चालू है और बाकायदा ईएमआई भरा जा रहा है। अब पुलिस ने पता किया कि घर वाले तो नहीं भर रहे हैं, पता चला घर वालों को तो इस लोन के बारे में मालूम ही नहीं था। फिर पुलिस की टीम दोबारा बैंक पहुंची और पता किया कि जो लोन भरा जा रहा है ये किस अकाउंट से आ रहा है, पैसे हर महीने कौन डाल रहा है। तो अब की बार जब ये वहां पहुंची पुलिस तो पता चला कि ये जो सलमा सुल्ताना का लोन है ये गंगा श्री जिम का नाम है, जिम है जिसका नाम है गंगा श्री जिम, तो गंगा श्री जिम के नाम पर हर महीने ये चेक जमा होता है जो ईएमआई के जितना भी रकम है। अब पुलिस को लगा कि 5 साल से एक लड़की गायब और रिश्तेदारों के अलावा मतलब हटकर एक जिम की तरफ से ईएमआई भरा जा रहा, तो इसके पीछे कनेक्शन क्या है। अब पुलिस की टीम जिम पहुंची, पता किया कि भैया जिम का ओनर कौन है। उन्होंने कहा अभी है नहीं, तो उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन भेज देना उसको, कुछ मुंडा। अब अगले दिन भी वो बंदा नहीं पहुंचा। अब पुलिस को हुआ डाउट कि अभी तक यहीं था, अब कहाँ है। अब पुलिस उसके पीछे लगी, उसका नाम था मधुर साहू लेकिन वो हाथ ही ना आए। अब वो भाग गया। अब पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ इस ईएमआई और सलमा सुल्ताना का कनेक्शन है आपस में, और इस मधुर साहू का भी, क्योंकि अब तक ये 5 साल से यहीं था, लेकिन जैसे ही पुलिस की टीम पहली बार उसके जिम में पहुंची वो अगले दिन गायब। अब पुलिस की टीम ने कहा कि चलो इसके नंबर निकालो। अब मधुर साहू के सीडीआर 5 साल पुराने के खंगालने शुरू हुए, तो पता चला 5 साल पहले उसके और जो सलमा सुल्तान के नंबर थे जो सीडीआर, वो दोनों मैच कर रहे थे, खूब बातें होती थी। अब ये हो कि इन दोनों का कनेक्शन है। अब पुलिस की टीम मधुर साहू के पीछे जीरो इन कि उसको ढूंढा जाए। कोशिश करते करते आखिरकार इसी अगस्त में, अभी पिछले हफ्ते, पुलिस को कामयाबी मिली मधुर साहू तक पहुंचने में, और पुलिस ने मधुर साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया, पहले हिरासत में लिया क्योंकि कोई सबूत तो था नहीं। अब उससे पूछताछ शुरू हुई। जब उससे पूछताछ शुरू हुई तब उसने पूरी एक कहानी बताई। कहानी ये थी कि जो सलमा सुल्ताना वो एक न्यूज़ एंकर थी और अपने आप को फिजिक मेंटेन रखने के लिए उसने जिम ज्वाइन किया था, और ये जिम जो था इसी मधुर साहू का था। तो जिम आने जाने के दौरान वो उसका इंस्ट्रक्टर भी था, दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हो गया। अब सलमा सुल्ताना और मधुर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, धीरे धीरे वक्त बीता। कुछ वक्त के बाद सलमा सुल्ताना, ये शुरू से थी कि वो शादी करेगी तो मधुर से, अब उसने उसके शादी के जिक्र छेड़ी, वो टालता रहा, वो जिक्र करती रही। धीरे धीरे अब सलमा ने उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया। इसी बीच पता चला कि मधुर साहू का इस जिम में आने वाली कई और लड़कियों के साथ भी संबंध है। ये बात सलमा तक पहुंची, वो नाराज़ हुई और फिर उसने कहा कि वो उसकी पोल खोल देगी। और इसी के बाद 21 अक्टूबर 2018 मधुर साहू अपने दो दोस्तों के साथ, जिनमें से एक का नाम कौशल और दूसरे का नाम अतुल,
सलमा चूंकि घर में अकेली रहती थी, वहाँ पहुँचे और उसका गला दबा दिया, गला दबाकर उसे मार डाला। कत्ल करने के बाद कार को, कार में लाश रखी सलमा की, और लाश को रखने के बाद उसी कोरबा ज़िले में एक कोहड़िया पुल है, उस कोहड़िया पुल के करीब एक भवानी मंदिर है, और उस मंदिर के पास सड़क किनारे उन्होंने रात के अंधेरे में गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में सलमा सुल्तान की लाश दबा दी, और ये दबाने के बाद चले आए। अब चूंकि उसका घर से वैसे भी बहुत कम वास्ता था सलमा का, और कई बार वो कोरबा से बाहर भी गई थी, तो घर वालों को लगा कि शायद वो कहीं गई है रिपोर्टिंग के लिए या कुछ और, और घर में पिता थे फादर, तो दो तीन महीने जब वो नहीं आई तो उन्हें बहुत कुछ अजीब लगा नहीं। लेकिन हाँ, जब 20 जनवरी को फादर की डेथ हुई और तब भी नहीं आई, तब उन्हें डाउट हुआ, और उसके बाद उन्होंने फिर जनवरी 2019 में पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। लेकिन पुलिस ने अपना वही लापरवाही भरा रवैया दिखाया और केस की जांच की नहीं थी। तो अब मधुर साहू की गिरफ्तारी के बाद उसने जब ये कहानी बताई तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब यहीं से एक नई कहानी शुरू हो गई। अब मौके पर पहुंची तो जहां जहां उसने बताया कई गड्ढे खोद डाले पुलिस ने, बाकायदा JVC मशीन मंगाई, उससे भी गड्ढे खोदे गए, कोई फायदा नहीं। कई बार वो बताते हमने यहाँ थे, हमने दफनाया, यहाँ दफनाया, यहाँ दफनाया, और पुलिस बेचारे मजदूरों को लेकर, गाड़ियों को लेकर, और वो गड्ढे ही खोदने का काम करती रही। अब यहाँ ये भी था, 5 साल पुराना मामला, लाश ना मिले तो फिर क्या प्रूफ है कि सलमा सुल्ताना इस दुनिया में नहीं और यही इन तीनों के कातिल है। तो पुलिस के लिए ज़रूरी था कि सलमा सुल्ताना की पहले तो जो बची खुची लाश है उसका DNA के ज़रिए साबित करें कि सलमा सुल्ताना ही है जिसका कत्ल मधुर ने किया है। तो कई जगह पे कई कई दिनों तक पुलिस से मशक्कत करवा डाली मधुर ने, बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, कोई सुराग नहीं। अब जाकर उसने एक सच बताया, उसने बताया कि जिस जगह उसने लाश दफनाई थी वो सड़क का एक किनारा था, और उस वक्त सिंगल लेन सड़क थी वो। लेकिन अब चूंकि 5 साल का अरसा बीत गया, उस सिंगल लेन सड़क को 4 लेन की सड़क बनाई जा चुकी और वो नेशनल हाईवे से जुड़ गया। अब नेशनल हाईवे है वो, 4 लेन की सड़क है, और ये बना है अभी मुश्किल से 2 से 3 साल के अंदर। अब कातिलों का कहना है कि उसने लाश इसी जगह नीचे दफनाई है। अब वो उस वक्त का सारा जो कंस्ट्रक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। अब जिस जगह कातिल कह रहे हैं हमने सलमा सुल्ताना को दफन किया है उसके ऊपर नेशनल हाईवे है। अब वो कहाँ पे एग्जैक्ट उसको दफनाया है, क्योंकि पूरा नेशनल हाईवे तो आप खोद नहीं सकते, ट्रैफिक जाम हो जाएगा दोनों तरफ से, और वो बहुत चलता फिरता ट्रैफिक है उस रूट पर। तो पुलिस ने कहा कि खुदाई करूँ, उसके लिए इजाज़त लूँ, उससे पहले कुछ और काम करते हैं। तो उसके चक्कर में अब जो पुलिस है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी के ज़रिए, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे ज़मीन के अंदर कहाँ क्या है आप मशीनों से पता कर सकते हैं, तो अब पुलिस उन्हीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये पता करने की कोशिश कर रही है, जैसे सैटेलाइट इमेज से कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ या था, स्क्रीनिंग एक मशीन आती है उसके थ्रू कि हाँ यहाँ पर अंदर में कुछ है कि नहीं, थर्मल इमेजिंग उसके ज़रिए, ये सब भूगर्भ जो विशेषज्ञ हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड पेनेट्रेशन इसके ज़रिए कि इसके अंदर क्या है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। तब इन्हीं टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पुलिस अलग अलग डिपार्टमेंट से ये सारी इक्विपमेंट्स मंगा रही है, क्योंकि मामला ये आ गया कि नेशनल हाईवे, अब नेशनल हाईवे में भी एक पर्टिकुलर जगह हो कि इसके नीचे है तो वहाँ तक तो चलो एक गड्ढा खोद दो, लेकिन आप पूरा नेशनल हाईवे तो खोद नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक जाएगा। तो पहले इन मशीनों के ज़रिए पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है कि जिस जगह ये लोग बता रहे हैं उस जगह ज़मीन के अंदर सचमुच कुछ ऐसी चीज़ है कि नहीं, वो इमेज आ जाएगी सामने। दूसरा, अब पुलिस कोर्ट पहुंच गई है और कोर्ट पहुंच कर उन्होंने अर्जी दी है कि देखिए हम अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि शायद नेशनल हाईवे की खुदाई ना करना पड़े, हम बाकी जो थर्मल इमेज, सैटेलाइट इमेज, इन सारी चीज़ों से, लेकिन अगर हम कामयाब नहीं हुए तो जो कातिल बता रहा है उस जगह पर हमें खुदाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए नेशनल हाईवे की खुदाई की इजाज़त दी जाए। अब ये कोर्ट इसकी इजाज़त कब दे, दे भी ना दे मालूम नहीं, लेकिन इस बात की भी क्या गारंटी कि अगर वो कोर्ट दे दे और उस नेशनल हाईवे में उस जगह खुदाई हो जहां वो बता रहे हैं और वो वही जगह हो, क्योंकि वहां पे भी झूठ बोल सकते हैं, इससे पहले भी वो कई जगह बता चुके हैं जहां पुलिस खुदाई में मतलब हफ्तों लगा चुकी है पर मिला कुछ नहीं है।
अब ये केस यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है ऑपरेशन मुस्कान के तहत कि 5 साल के बाद सलमा सुल्ताना की सच्चाई तो सामने आ गई इन 3 कातिलों की वजह से, लेकिन सलमा सुल्तान की लाश कहाँ है ये भी इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ यही 3 जानते हैं। अब ये तीनों क्या खेल खेल रहे हैं, क्या चाल चल रहे हैं पुलिस से ये पता नहीं, क्योंकि उन्हें भी शायद कानून की थोड़ी सी कमजोरियां पता है, क्योंकि यहाँ ये है कि सलमा का ना तो कोई ब्लड स्टेन ब्लड सैंपल कुछ है ही नहीं, तो एक टोटली ये जो कहानी है सरकमस्टेंशियल एविडेंस पर है, यानी परिस्थितिक जन्य जो होता है साक्ष्य उसके ऊपर है। तो कल को कोर्ट में क्या होगा ये भी नहीं मालूम, तो इसलिए कोरबा पुलिस के लिए ज़रूरी है कि सलमा सुल्ताना जहाँ पे भी दफन है उसकी लाश का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा सुराग या सबूत के तौर पर बाहर निकाला जा सके, जिससे ये कोर्ट में साबित किया जा सके कि उसकी मौत हो चुकी है और उसका कत्ल इन तीनों ने किया, और फिर उस हिसाब से इन तीनों को सज़ा दिलाई जा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस लाश पर। अब देखना यह है कि क्या एक लाश को ढूंढने के लिए एक नेशनल हाईवे की खुदाई होगी, और खुदाई होती है तो क्या सचमुच वहीं वो लाश होगी, या इस बार भी ये तीनों पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तो कोरबा पुलिस के सोर्सेज उनका मानना है कि ये तय है कि सलमा सुल्ताना अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको आने वाले वक्त में ज़रूर दूंगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भाई अपना सिलसिला। आज हमारे पुराने कलीग जो पहले मेरे साथ थे फिर चले गए लखनऊ, शिवेंद्र श्रीवास्तव, आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पर। तो शिवेंद्र की वाइफ और हम सबकी दोस्त जया सिंह, इनका आज जन्मदिन है। और मुझे कल रात को ही पता चला जब शिवेंद्र ने 11 रोजेस के ऑर्डर दिए थे। तो हैप्पी बर्थडे जया, हमेशा अच्छे रहो, आप खुश रहो और यूं ही आप मस्त रहो। आज सुभाष नागौकर जी, इनका जन्मदिन है। एंड सॉरी भूल गया था, बल्कि आज नहीं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सुभाष जी। और प्रीति केमकर जी ने भेजा है, उनके फादर हैं ये, तो गलती से रह गया था, तो माफ़ी इसके लिए। और सुभाष जी बहुत बहुत आपको हैप्पी बर्थडे। साथ ही मोतीलाल भार्गव, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोतीलाल जी। और अकील अहमद ने भेजा, उनके दोस्त हैं ये। साथ ही रितु कुलहर, तो रितु कुलहर का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रितु जी। और ये मोहित यादव जी की पत्नी है। साहिल बाथला, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साहिल। और शिल्पा ने भेजा है। इसके अलावा सचिन पटेल का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सचिन। और ये आशु वर्मा ने भेजा है। इसके अलावा मेघा सिरोही, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मेघा जी। और ये इकज्योत सिंह की वाइफ हैं। साथ ही मैरीना राणा, इनका और इत्तेफाक से इनके जो फादर हैं तोरण शमशार राणा, तो मैरीना एंड तोरण जी आप दोनों को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई। और ये भेजा है अंकुश नेपाल ने वर्जीनिया से। साथ ही अनुपम चंद्रा का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुपम जी। और ये विनायक कुमार ने भेजा है। सुरेंद्र भंडारी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र साहब। और ये संदेश भंडारी ने भेजा है। स्नेहा कुमारी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहा। और ये पप्पू नेहा श्वेता और दिनेश ने भेजा है। साथ ही दक्ष कुशवाहा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दक्षा। और ये हर्ष द्विवेदी ने भेजा है। संगीता गोसावी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संगीता जी। और ये महेश गोसावी की पत्नी है, पुणे से हैं। अंकित, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंकित। और ये कांति लायन एंड कृष्ण दर्जी ने भेजा है। साथ ही डॉक्टर युवराज कौशिक, सलमा की कहानी सुनाने की फरमाइश उन्होंने की थी, तो थैंक यू डॉक्टर युवराज साहब। इसके अलावा विवेक आनंद, बहुत ही बहुत बधाई है आपको विवेक, अब ये हमारी क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं और कस्टम इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो बहुत बधाई। और अच्छे से तलाशी लीजिएगा सभी की, और आपके दोस्तों को भी बहुत बहुत थैंक्स विवेक जी कह दीजिएगा। साथ ही पौरावी पाटिल, पहली बार पौरावी पाटिल ने बहुत सीरियस मेल लिखा, ये हमेशा मजाकिया मेल लिखती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अभी थोड़ी थोड़ी सीरियस होती जा रही है। और पक्का मुलाकात ज़रूर होगी, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम कुछ जब तक बन नहीं जाऊं जो तुमने कहा है, लेकिन ऊपर वाले से दुआ है तुम खूब तरक्की करो। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें।
तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।